यस 11th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, सेट्स चैप्टर के ही क्वेश्चन, बट लॉन्ग क्वेश्चंस। आपके अब हो गए हैं बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड, बट जब से ये मैं पेपर डिस्कस कर रही हूँ ऑलमोस्ट 15-16 से पहले भी, तो 1, 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। 1 मार्क्स के मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ अभी तक, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आप डिस्कस करने लगी हूँ आपसे। चलिए पहला क्वेश्चन, इफ यूनिवर्सल सेट इज दिस फॉर, दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए 6-8 एलिमेंट्स एंड बी 2-3-5-7 एलिमेंट्स, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इन सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है बेटा इस रिजल्ट का, रिकॉल करिए क्विकली, डी मॉर्गन्स लॉ। राइट, डी मॉर्गन्स लॉ। आपको मैंने कहा था डी मॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है। डी मॉर्गन्स लॉ नाम से नहीं दिया हो बट बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, वेरीफाई वन ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ फॉर सेट्स। राइट नाउ हमें एग्जैक्टली लिखा हुआ है तो इसी को फॉलो करेंगे हम। चलिए वन बाय वन कैलकुलेट करें। लेफ्ट साइड के लिए हमें सबसे पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है। ए यूनियन बी मतलब दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं हमने, टू दोनों में, थ्री एक में है दूसरे में नहीं लिखा जाएगा, देन फोर एक में है दूसरे में नहीं। मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिख रही हूँ बेटा, बिल्कुल आप कर सकते हो, एक सेट के एलिमेंट लिख लो फिर दूसरे में से जो जो रहते हैं वो लिख लो। बट आप देखो तो दोनों में सिर्फ टू कॉमन है बेटा, बाकी डिफरेंट है और एलिमेंट बहुत कम है, इजिली पढ़ सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी, तो वैसे ही लिखना चाहूंगी मैं 2-3-4-5-6-7-8। ठीक, ये हो गया ए यूनियन बी। अब हमें कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट साइड में कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करना है। यूनिवर्सल में है 1 से 9 तक एलिमेंट और ये हो गए 2-3-4-5-6-7-8, तो सिर्फ 1 एंड 9 है। राइट, इजी टू कैलकुलेट, 1 एंड 9 रह गया। अब आइए राइट साइड के वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से ए माइनस, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5-7-9, 2-4-6-8 हटाने थे। बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट 2-3-5-7 हटाने हैं। राइट, बी में 2-3-5-7 है, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4, देन 6, देन 8, देन 9। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट साइड कैलकुलेट। राइट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब इन दोनों में कॉमन, और इन दोनों में कॉमन हो गया 1 एंड 9। ओके, तो हमने अब कंपेयर करना है बेटा, ये हमने कैलकुलेट की लेफ्ट साइड, ये कैलकुलेट की राइट साइड। आप देख रहे हैं दोनों सेम आए, सेट विद एलिमेंट 1 9। आपकी लेफ्ट साइड ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस इज द आंसर, वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन ही करना था हमें। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी and 225 taking coffee, 100 were taking both tea and coffee, find how many students were taking neither tea nor coffee। yes, application beta, sets ki application, hum sets assume karte hain, I think picture is totally clear, 150 students टी लेते हैं, 225 कॉफी लेते हैं, 100 दोनों लेते हैं और हमसे पूछा है नाइदर टी नॉर कॉफी लेने वाले, दैट मीन्स 600 टोटल स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। हमें इनमें से आइदर और वाले, एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक लेने वाले सब्ट्रैक्ट करते हैं, यूनियन का नंबर चाहिए। राइट, तो हम सबसे पहले सेट एज्यूम कर लें, लेट A and B be the set of students taking tea
and कॉफी टी लेने वाले ए एंड कॉफी। तब क्वेश्चन से हमारे पास क्या आया बेटा, हम मैथमेटिकली कन्वर्ट कर ले, यही करते हैं हम। पहले हम सेट से ज्यूम करते हैं, देन हम मैथमेटिकली सिंबल्स में सभी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विल बी 150, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी 225, राइट। टी लेने वाले 150 थे, कॉफी लेने वाले 225 एंड 100 दोनों लेने वाले, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन। और जो 600 था, ओके चलिए इसे स्टार्टिंग में लिख देते हैं, दैट इज नंबर इन यूनिवर्सल सेट। तो हमें सबसे पहले यूनियन के एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सिंपली फॉर्मूला है, आपने इसमें पुट करनी है वैल्यूज। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन ए इज 150, इन बी इज 225 एंड इन ए इंटरसेक्शन बी इज 100। तो ये आपका हो गया बेटा 5 + 50 = 275। नाउ रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर लिख दो या क्लियर कट लैंग्वेज लिख दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ये नंबर क्या आ जाएगा आपका, दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन। जो एक भी ड्रिंक लेते हैं उनको हमने टोटल में से सब्ट्रैक्ट करना है, 600 माइनस 275, सो दिस विल बी 300। 325 स्टूडेंट्स नाइदर टी नॉर कॉफी, ओके, दोनों में से एक भी ड्रिंक। ओके, सिंपल एप्लीकेशन का क्वेश्चन। यस, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 72% स्टूडेंट पास्ड इन साइंस एंड 13% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 312 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब एग्जाम में अपीयर सिर्फ मैथ्स और साइंस तो नहीं होगा बेटे, बाकी सब्जेक्ट्स भी होंगे, है ना। तो जो एग्जाम में अपीयर हुए वो तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, तो वो ही पूछे आपसे टोटल नंबर जो अपीयर हुए। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम टोटल नंबर एज्यूम करते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है, यूनिवर्सल का कैलकुलेट करना है। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल एज ए रेगुलर आपने अपनी एनसीईआरटी में नहीं किया क्वेश्चन, थोड़ा सा इसे केयरफुल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन द एग्जाम इज एक्स। अब जब एक्स अपीयर हुए तो उसके 80% तो मैथ्स में पास हुए, उसके 72% तो साइंस में पास हुए, 13% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। एक तरफ पास की बात हो रही है बेटा, एक इधर फेल की बात हो रही है। इफ 312 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, अब ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैथ्स में पास होने वाले को सेट ए कर ले हम, साइंस में पास होने वाले को सेट बी कह दें, तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट आ जाएंगे 312। तो ये क्या है बेटा, 13% फेल्ड इन बोथ, दैट मीन्स नाइदर पास इन मैथ्स नॉर पास इन साइंस। यूनिवर्सल में से हमारे यूनियन के एलिमेंट जो सब्जेक्ट हुए ये बोथ। ओके, अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, तो यही लैंग्वेज थोड़ी सी इस क्वेश्चन की घूमी हुई थी, जब भी ये आया था तो बहुत कम बच्चों से हो पाया था, आई रिमेम्बर स्टिल रिमेम्बर। तो इसको अब केयरफुली करके हम एक बार कर लेते हैं दोबारा। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम इज एक्स एंड ए एंड बी
आर द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हू पास्ड इन मैथ्स एंड साइंस क्विज़। मैथ्स एंड साइंस में पास होने वाले, तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मैथ्स में पास होने वाले 80%। बट 80% किसका बेटा? एक्स का। हम कुछ परसेंट मिले, कुछ नंबर मिले, ऐसा नहीं होगा, हम परसेंट को भी नंबर में चेंज करेंगे। 80% एक्स का, तो ये हो गया 80x/100। हम कैलकुलेशन के लिए बेशक इसे ये कर सकते हैं, 100 में ही छोड़ दें, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज आने वाली है, इसको एज सच रख सकते हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दैट मीन्स स्टूडेंट पास इन साइंस, वो है बेटा 72%। 72% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, दैट मीन्स एक्स, दैट मीन्स 72x/100। ओके, अब जो दोनों में पास है वो इंटरसेक्शन के एलिमेंट, वो है 312। और ये जो 13% फेल्ड है, ये कहां से क्या एलिमेंट देंगे हम? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल, दैट इज एक्स माइनस 13% ऑफ एक्स। आइदर और वन ऑफ द सब्जेक्ट में पास होने वाले कौन से हुए? टोटल जो अपीयर हुए माइनस जो फेल हुए, वो हुए जो एक भी सब्जेक्ट में पास हुए। ओके, तो ये हो गया एक्स, मैं कॉमन ले लेती हूँ, 1 - 13/100, और ये हो जाएगा बेटा दिस इज 100 - 13, दैट मीन्स 87/100। ओके, अब ये आपके पास क्लियर कट नंबर आ गए। इन नंबर्स को हम कर लेंगे एप्लीकेशन वाले फॉर्मूला में। फॉर्मूला लिख लें पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में एलिमेंट आए थे बेटा हमारे 87/100, ए में एलिमेंट थे हमारे 80/100, और बी में हमारे एलिमेंट थे 72/100, और इंटरसेक्शन में 300। एक बार चेक कर लीजिए, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। ए में 80/100, बी में 72/100, इंटरसेक्शन में 312, और यूनियन में 87/100। अब एक्स वाली टर्म्स हमने एक साथ रखनी है, बाकी एक साथ रखनी है, 312 में इधर ले आई, इन दोनों को ऐड कर दिया, 152/100x - 87/100x। ये आपका आ जाएगा बेटा माइनस करके, दिस इज 565/100x इज 312। चलिए मैं राइट साइड में लिख दिया, नाउ एक्स विल बी 312 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 65। दिस विल बी 13 5s are 13 2s are 13 4s are 5 2s are, and this will be 40 480. Therefore, there are total 480. आई होप ये क्वेश्चन समझ आया है बेटा, बट ये आपके लिए बुक से अलग न्यू क्वेश्चन है, एक बार खुद जरूर करके देखिएगा, सिर्फ सुन के बात नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।